नमस्कार दोस्तों, आज है 9 मई और 9 मई 1540 महाराणा प्रताप का जन्मदिवस है। आपको पता ही है, कुंभलगढ़ कटारगढ़ के पास में जूनी कचहरी के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। पिता उदय सिंह, माता जयवंताबाई, पत्नी अजबदेव पंवार। बात करते हैं अगर महाराणा प्रताप की, तो वैसे तो महाराणा प्रताप बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन महाराणा प्रताप के बारे में लंबा बात नहीं करके केवल आज उनके जन्मदिवस पर मैं 4 पंक्तियां अर्पित करना चाहता हूँ महाराणा प्रताप के लिए। जिस समय संपूर्ण भारत पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ गया था और पूरा भारत जो है वो अकबर के अधीन हो गया था, अकबर को भी घमंड हो गया था अपनी बादशाहत के ऊपर, उस समय की बात है कि महाराणा प्रताप मेवाड़ की राजगद्दी को स्वीकार करते हैं और ये पराधीनता के स्थान पर स्वाधीनता को स्वीकार करते हैं, तो उसी समय की बात है। और 4 पंक्तियाँ मैं अर्पित करना चाहता हूँ महाराणा प्रताप के ऊपर कि आन बान और स्वाभिमान जब नहीं किसी के पास बचा, आन बान और स्वाभिमान जब नहीं किसी के पास बचा, बप्पा रावल के इस वंशज ने उस युग में इतिहास रचा। हाँ, बप्पा रावल के इस वंशज ने उस युग में इतिहास रचा। बड़े बड़े राजा रजवाड़े, बड़े बड़े राजा रजवाड़े अकबर के अधीन हुए, निर्वासित सिंहासन पर तब महाराणा आसीन हुए। हाँ, निर्वासित सिंहासन पर तब महाराणा आसीन हुए। पूरा भारत जब पराधीनता की बेड़ी में जकड़ गया, हाँ पूरा भारत पराधीनता की बेड़ी में जकड़ गया और सम्राटों की पदवी पाकर मुगले आजम अखड़ गया, और सम्राटों की पदवी पाकर मुगले आजम अखड़ गया। हल्दीघाटी के सम्रांगण में चित्र शौर्य का खींचा है। हल्दीघाटी का युद्ध तो बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा की शौर्य गाथा में बड़ा बड़ी ख्याति भी मिली थी महाराणा को। तो हल्दीघाटी के सम्रांगण में चित्र शौर्य का खींचा है, और शत्रु के शौनित से जिसने अपनी माटी को सींचा है, और शत्रु के शौनित से जिसने अपनी माटी को सींचा है। अरिमुंडों की रक्तधार से, अरिमुंडों की रक्तधार से चंडी का अभिषेक किया, और ऐसा बेटा वीर परसुता ने लाखों में बस एक दिया। हाँ, ऐसा बेटा वीर परसुता ने लाखों में बस एक दिया। तो ऐसे थे अपने महाराणा प्रताप। और हल्दीघाटी के युद्ध की बात करते हैं अगर, और महाराणा प्रताप की बात करते हैं, तो एक और कैरेक्टर आता है चेतक, जो कि महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा था। इन दोनों की अगर बात होती है तो चेतक को याद करना लाजमी बनता है, बड़ा स्वामी भक्त घोड़ा था। तो हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान चेतक के शौर्य की भी थोड़ी सी प्रशंसा की गई है, तो 4 पंक्तियां मैं चेतक के लिए भी अर्पित करना चाहता हूँ कि रक्त तलाई में चेतक ने अरिका रक्त उलीचा है। हाँ, रक्त तलाई में चेतक ने अरिका रक्त उलीचा है, और मान सिंह के हाथी के मस्तक को अपनी टांगों से बींचा है, और मान सिंह के हाथी के मस्तक को अपनी टांगों से बींचा है, जिसकी टापों की चोटों से हाथी भी चिंगाड़ उठा। हाँ, जिसकी टापों की चोटों से हाथी भी चिंगाड़ उठा, शिव का नंदी पर्वत जैसे असुरों को उखाड़ उठा। हाँ, शिव का नंदी पर्वत जैसे असुरों को उखाड़ उठा, उसकी फूर्ति देख सैनिक दल भौचक के रह जाते थे, उसकी फूर्ति देख सैनिक दल भौचक के रह जाते थे, और फौलादी लाते खा खा कर सैनिक हक्के बक्के रह जाते थे, फौलादी लाते खा खा कर शत्रु हक्के बक्के रह जाते थे, शस्त्र हाथ से गिर जाते थे, शस्त्र हाथ से गिर जाते थे, और प्राण बचाना भारी था। हाँ, शस्त्र हाथ से गिर जाते थे, प्राण बचाना भारी था, शायद वे तो एक लिंग के नंदी का अवतारी था, शायद वे तो एक लिंग के नंदी का अवतारी था। सम्रांगण में दौड़ लगाकर शत्रु दल को कुचला है। हाँ, सम्रांगण में दौड़ लगाकर शत्रु दल को कुचला है, ऊबड़ खाबड़ नदी नालों में 100-100 फीट तक उचला है, वो ऊबड़ खाबड़ नदी नालों में 100-100 फीट तक उचला है। हाँ चेतक का आत्मदान तो युगों युगों पर भारी। हाँ, चेतक का आत्मदान तो युगों युगों पर भारी है, और राणा ही नहीं पूरा भारत चेतक का आभारी है, और राणा ही नहीं पूरा भारत चेतक का आभारी है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये लाइनें पसंद आई होगी। कभी समय मिलेगा तो महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, इनका इतिहास बहुत लंबा भी है। तो ठीक है दोस्तों, आज तो केवल उनके जन्मदिवस पर 4 पंक्तियाँ कहने का मन हुआ, और मैंने इस चैनल के माध्यम से 4 पंक्तियाँ कही है आपको। अगर अच्छी लगे तो कभी और भी महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे हम। वैसे कन्हैयालाल सेठिया ने भी महाराणा प्रताप के ऊपर एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी है, पीतल और पातल, जिसमें वो बड़ी संजीदगी से पेश किया गया है हरे घास की रोटी कविता के माध्यम से महाराणा प्रताप कैरेक्टर के बारे में। तो कभी मौका मिलेगा तो जरूर उसे भी पढ़ेंगे सुनाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।